नमस्कार फ्रेंड्स, आरबी मोरा चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आइए सीख लेते हैं एक और आसान सा डिजाइन जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इस तरीके का डिजाइन बहुत ही आसानी के साथ कैसे बनाएंगे, आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसको मैं पेज से बाहर कर लेता हूँ। उसके बाद टूल्स में जाएंगे, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद कीबोर्ड से पी प्रेस करेंगे, पेज के सेंटर में चला जाता है। फिर इसी का मैं एक डुप्लीकेट कर लेता हूँ लेफ्ट साइड में छोटा करके इस तरीके से। फिर इसको कंट्रोल क्यू से कर्व करेंगे और फिर इस नोड को मैं हल्का सा और लेफ्ट साइड में लाता हूँ यहाँ पर। फिर इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, यहाँ से कर लेते हैं कन्वर्ट टू कर्व। फिर इसके सेंटर से मैं इसको बाहर की साइड लाता हूँ, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको कर्व मिल जाता है। उसके बाद टूल्स में जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं थ्री पॉइंट कर्व टूल। एक क्लिक में यहाँ करता हूँ, दूसरा क्लिक यहाँ पर करेंगे और फिर इसको राइट साइड में ट्रैक करेंगे इस तरीके से। फिर एक क्लिक में यहाँ पर करता हूँ, दूसरा क्लिक यहाँ पर, इस बार मैं बॉटम साइड में ड्रैग करता हूँ इस तरीके से। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से डिजाइन आपको मिल जाता है। वैसे ये जो पॉइंट्स है इसको मैं सेंटर रखना चाहता हूँ, तो इसको सिलेक्ट करेंगे और सेंटर में यहाँ पर कर लेते हैं। फिर इस नोड को सिलेक्ट करेंगे, इसको मैं यहाँ पर लाता हूँ, यानी इस पॉइंट से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो इसको बिल्कुल यहाँ से मैच करा दें। इसी प्रकार से इसको भी यहाँ पर मिला देते हैं। मिलाने के बाद अब हमें क्या करना है, इस पार्ट को स्मार्ट फिल टूल का यूज करके फिल कर देना है। इसको मैं हल्का सा और कर्व कर लेता हूँ। अब इस पार्ट को हम स्मार्ट फिल टूल का यूज करके फिल कर लेंगे। तो टूल्स में जाएंगे, स्मार्ट फिल टूल सेलेक्ट करेंगे, सिंपली मैं इस पार्ट को फिल कर देता हूँ। अब इस लाइन को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद ये जो रेक्टेंगल है इसमें मैं कोई भी कलर फिल कर देता हूँ और इसमें हम ड्रॉप शैडो का यूज करेंगे। तो पहले इसको सिलेक्ट करें, टूल्स में जाएं, ड्रॉप शैडो टूल सेलेक्ट करेंगे, सिंपली राइट साइड में ड्रैग करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, बिल्कुल सीधा ड्रैग करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और इसकी ओपेसिटी मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ और फेदरिंग भी बढ़ा देते हैं, और भी मैं फेदरिंग बढ़ा देता हूँ और इसका कलर मैं रखता हूँ RGB, क्योंकि हमें सोशल मीडिया के लिए चाहिए तो RGB ज्यादा सही रहेगा। यहाँ से मैं इसका कलर कर देता हूँ RGB और यहाँ पर रखेंगे मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से शैडो देने के बाद मैं इसको कंट्रोल के साथ करता हूँ ब्रेक अपार्ट। उसके बाद ये जो डिजाइन है इसमें भी हम ड्रॉप शैडो का यूज कर लेते हैं। तो टूल्स में जाएंगे, ड्रॉप शैडो टूल सेट करेंगे, सिंपली लेफ्ट साइड में ड्रैग करेंगे, बिल्कुल सीधा ड्रैग करेंगे लेफ्ट साइड में। उसके बाद प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और इसकी फेदरिंग मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और इसका कलर भी RGB कर देते हैं। ओपासिटी में यहाँ पर 50% रखता हूँ, ये परफेक्ट है, और इसका कलर भी कर देते हैं यहाँ से RGB। ओके, RGB करने के बाद इसको भी कंट्रोल के साथ करेंगे ब्रेक अपार्ट और ये जो इसका शैडो है इस शैडो को मैं इस वाले रेक्टेंगल में पावर क्लिप कर लेता हूँ। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिप इनसाइड, पावर क्लिप करने के बाद अब इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ। तो पहले मैं RGB प्लेट इंसर्ट कर लेता हूँ, ये है CMYK कलर पैलेट। तो RGB प्लेट लाने के लिए विंडोज में जाएंगे और यहाँ पर आपको मिल जाता है कलर प्लेट और यहाँ पर आपको मिल जाता है RGB प्लेट। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कलर आ जाता है। अब मैं इसमें फिल कर लेता हूँ रेड कलर, यहाँ से सिंपली रेड कलर फिल कर लें। उसके बाद कीबोर्ड से G प्रेस करेंगे, यहाँ पर मैं फिल कर लेता हूँ इससे डार्क रेड कलर में, इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको इसका कलर का इफेक्ट मिल जाता है। उसके बाद ये जो डिजाइन है इसमें मैं फिल कर लेता हूँ डार्क ग्रे कलर, कीबोर्ड से G प्रेस करेंगे और लेफ्ट साइड में ड्रैग करेंगे, सीधा ड्रैग करेंगे इस तरीके से, इसी के रेशियो में ड्रैग करेंगे तिरछा करके। प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और यहाँ से कर लेते हैं रिपीट एंड मिरर पर क्लिक और इसको हल्का सा और लेफ्ट साइड में लाएंगे और इसको बाहर की साइड रखते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसका इफेक्ट मिल जाता है। इसको मैं और राइट साइड में लाता हूँ तो कलर यहाँ पर जो है और वाइट हो जाता है इस तरीके से। तो कुछ इस तरीके से कलर सेट करने के बाद अब इन सभी को मैं सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल G से ग्रुप कर लेते हैं। अब मैं इसी का डुप्लीकेट राइट साइड में भी कर लेता हूँ। प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, यहाँ से कर लेते हैं मिरर हॉरिजॉन्टल और फिर यहाँ से करते हैं मिरर वर्टिकल।
फिर इसको मैं यहीं पर रहने देता हूँ या फिर चाहे राइट साइड से मिला लें। और इसके सेंटर में भी हम कलर फिल कर देते हैं, ये जो पार्ट बच जाता है तो इसमें हम फिल करेंगे ब्लैक कलर। पहले आप चाहे तो इन दोनों को इसी रेक्टेंगल में पावर क्लिक कर लें ताकि बार बार आपको डिस्टर्ब ना करे। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिप इनसाइड। पावर क्लिप करने के बाद अब इसमें भी मैं कलर फिल कर लेता हूं। तो इसमें ग्रे कलर फिल कर देते हैं, डार्क ग्रे रखेंगे। कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे, इसको ग्रेडियंट बना लेते हैं। यहां पर मैं और भी डार्क कलर फिल कर लेता हूं, यहां पर थोड़ा सा और लाइट कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको ग्रेडियंट कलर का इफेक्ट देखने को मिल जाता है। उसके बाद इसमें जो भी टेक्स्ट आपको टाइप करना है अपने अनुसार टाइप कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर जो टाइप किया हुआ है हैप्पी न्यू ईयर 2023, इसी को मैं कॉपी करता हूँ और इसमें सेट कर लेते हैं। इसको शिफ्ट के साथ करेंगे पेस्ट डाउन और इस टेक्स्ट का कलर मैं कर लेता हूँ गोल्डन कर लेते हैं, और इसको बोल्ड भी कर लेते हैं। चाहे तो फॉन्ट भी इसका चेंज कर लें, कोई स्टाइलिश फॉन्ट अगर रखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसके बीच का स्पेस भी मैं सेट कर लेता हूँ, यानी बढ़ा देता हूँ स्पेस, और इसको कर लेते हैं स्टाइलिश लेटर में। तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, साइज बढ़ा देते हैं। इसका कलर रखेंगे व्हाइट और इसका मैं कर लेता हूँ गोल्डन। तो कीबोर्ड से F11 प्रेस करेंगे, एडिट फिल का ऑप्शन ओपन हो जाता है। फिर यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं यूनिफॉर्म फिल पर क्लिक, और यहाँ से टाइप करते हैं गोल्ड। तो जैसे आपने गोल्ड टाइप किया यहाँ पर गोल्डन कलर आ जाता है। अब इसको चाहे तो आप ग्रेडियंट बना लें। तो कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे, बॉटम साइड में ड्रैग करेंगे और यहाँ पर मैं फिल कर लेता हूँ, यही सेम कलर फिल कर लेते हैं। और फिर इसका कलर मैं यहाँ से डार्क कर देता हूँ। इसके सेंटर में हम एक क्लिक करके चेक बॉक्स ऐड करते हैं, जैसे कि एक बॉक्स है। जैसे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर ऐड हो जाता है। अब इसका कलर मैं लाइट कर देता हूँ, तो सिंपली यहाँ से कलर को लाइट कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको गोल्डन ग्रेडियंट कलर का इफेक्ट देखने को मिल जाता है। अब इसमें हम ड्रॉप शेडो का यूज भी कर लेते हैं। तो इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, टूल्स में जाएंगे, ड्रॉप शेडो टूल सेलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे प्रीसेट के अंतर्गत, और यहाँ से कर लेते हैं फ्लैट बॉटम राइट। अब इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। अब चाहे तो आप इसको कंट्रोल के साथ कर दें बैक पार्ट, फिर कंट्रोल जी से कर लें ग्रुप। ग्रुप करने के बाद ये जो डिजाइन है इसका कलर मैं थोड़ा सा और सेट कर लेता हूँ, इसमें व्हाइटनेस हम बढ़ा देते हैं, तो थोड़ा सा और अच्छा इफेक्ट आपको मिल जाता है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना आसानी के साथ एक आसान सा डिजाइन कंप्लीट तैयार कर लिया है। आप भी प्रैक्टिस करें, इससे अच्छे अच्छे डिजाइन बना सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।